कायमगंज श्याम गेट स्थित कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज की लंच के समय फर्श धस गई। फर्श धसने से बड़ा हादसा होने से बचा। फर्श धसते ही बच्चों में मची चीख पुकार। बच्चों की चीख पुकार सुनकर अध्यापिकाएं पहुंची मौके पर। धसी जमीन के पास बच्चों का चलता है कक्षा 6 की क्लास। लंच के समय हादसा होने से बच्चे बाल बाल बचे, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। सूचना पर उपजिला अधिकारी व सीओ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। विद्यालय से बच्चों की गई छुट्टी। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के श्याम गेट स्थित कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज का है पूरा मामला। जी, जैसे कि अभी हमें सूचना मिली थी आधे घंटे पहले कि कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज लोहाई बाजार में एक फर्श धसने की वजह से कोई बच्चा उसके अंदर जो है चला गया। हम लोग यहाँ पर मौके पर आए, हमने देखा कि विद्यालय का फर्श धस गया था, पर किसी प्रकार से किसी बच्चे के हताहत होने की कोई अभी सूचना नहीं मिली है। यहाँ जो है हमने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने ये साफ इनकार किया कि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी, वह सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित। ये पिलर चटक गए हैं बिल्डिंग के, क्या ये जर्जर घोषित की जाएगी? अभी हमने प्रिंसिपल से बात की थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी बार इसको लिख कर दिया कि बिल्डिंग को निष्क्रिय घोषित करते हुए नई बिल्डिंग का फैसला उन्होंने प्रपोजल भेजा था। अभी इस पर आगे पूरी जानकारी करके हम जो है आपको अवगत कराते हैं। सर, क्या कुछ कारण रहा होगा बिल्डिंग घसने का, ये जमीन घसने का? जैसे कि अभी तक हमें अवगत कराया गया यहाँ के विद्यालय के प्रशासन के द्वारा कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम होने की वजह से, पानी पूरी तरह से जल निकासी ना होने की वजह से वो धीरे धीरे फर्श के अंदर में जमता रहा, जिसकी वजह से मिट्टी हमारी कमज़ोर हो गई और उसकी वजह से ये जो